अंसल प्लाजा में फर्स्ट टाइम आया हूँ मैं, तो विनय बता रहा है टिकटॉकर्स का हब है। तो अभी मैं ना सिब्बू को फोन करूंगा और ये बोलूंगा कि सिब्बू एक्सयूवी का है ना एक्सीडेंट हो गया। हाँ हाँ जल्दी नीचे आ यार। ज्यादा दुख गई है क्या? हाँ ज्यादा, मतलब आ जा यार दे, पर मेरे को ऐसे हो रहा है यार कि नई गाड़ी ठुक गई यार, बिल्कुल ऐसे अजीब सा लग रहा है। बिल्कुल प्यार नहीं है तेरे को गाड़ी से। यार अब हो गया, मैं क्या करूँ, मैंने जान पूछ के थोड़ी करा यार। ये एक बार भी ये नहीं पूछा कि तेरे लग गया। दिख रहा है तुझे सलामत, तुझे लग नहीं है, तुझे क्या पूछूं, एकदम हट्टा कट्टा दिख रहा है बढ़िया सा। Let's go. तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू टुडेज व्लॉग। आज भाई मुझे जाना है एक बर्थडे पार्टी में, तो उसके लिए थोड़ा सा बाल और शेव सही करवाना पड़ेगा, क्योंकि देखो यार अजीब सा हो रखा थोड़ा फेस ना, तो कटिंग वटिंग करवा के सही हो जाऊंगा, तो फिर बर्थडे पार्टी में जाएंगे। और भाई कल के व्लॉग में ड्रैग रेस करके जो मजे आए बता नहीं सकता, कितने अल्टीमेट मजे थे। बर्थडे पार्टी में जाना है ना, तो उससे पहले मैं और विनय थोड़ा बाहर जा रहे हैं, एक बुके खरीद लेंगे विनय, है ना। अब ऐसे इंस्टेंट गिफ्ट तो समझ नहीं आ रहा क्या लूं, एक बुके ले लेंगे अच्छा सा प्यारा सा, और मतलब खाली आ जाना अच्छा नहीं लगता बेसिकली। बाकी व्हीकल का एक्सपीरियंस कैसा था थार के साथ एक्सयूवी की ड्रैग रेस? मजा आ गया भाई, ऐसा लग रहा है डेली करें हम ये भाई ऐसा। हाँ सच में ऐसा मन कर रहा है ना कि डेली ड्रैग रेस करो, डेली इतनी इतनी गाड़ियां लाओ कहीं से, किसी की भी गाड़ी लेके आओ और डेली ड्रैग रेस करो। तो अभी ना मैंने प्लान बनाया है कि जैसे हमारे पास चार गाड़ियां यहाँ पे, एक एक्सयूवी है, एक एक्सेंट है, एक टियागो है और टिगोर है, चार गाड़ी है ना अपने पास, तो हम चारों की ड्रैग रेस करेंगे बदल बदल के, है ना। जैसे एक बार कर ली टियागो वर्सेस टिगोर, एक बार कर ली एक्सेंट वर्सेस टियागो, एक बार कर ली टिगोर वर्सेस एक्सेंट। तो आप लोग देखना चाहते हो हमारे पास जो चार गाड़ी है उनके आपस में ऐसे मिक्स कर करके ड्रैग रेस, अगर देखना चाहते हो तो कमेंट करके बताना भाई, तभी करेंगे, कभी फिर बोलो कि भाई हमें तो नहीं देखनी थी और आपने ड्रैग रेस कर दी, हालांकि मुझे पता आप लोग देखना चाहते ही होंगे, तो एक बार फिर भी बता देना कमेंट बॉक्स में कि आपको ये ड्रैग रेस देखनी है या नहीं। चार गाड़ियां ये हैं, फिर भाई और भी यार दोस्तों पे काफी सारी गाड़ियां हैं उनकी भी ले आएंगे। और बाकी यार थार वाले जो ड्रैग रेस किया था हमने उसमें तो खैर वर्टस तो थी अपने पास, तो वर्टस और एक्सयूवी की ड्रैग रेस भी तो देखना चाहोगे ना आप लोग, तो कमेंट करके बताना। सनरूफ खोल लेते हैं यार, मतलब सनरूफ नहीं ओनली ब्लाइंडर खोल लेते हैं, है किस लिए गाड़ी में, इसीलिए तो है। तो भाई कमेंट करके जरूर बताना, और जल्दी ही ड्रैग रेस ही ड्रैग रेस आपको मेरे चैनल पे देखने को मिला करेगी, बहुत सारी ड्रैग रेस। चलो भाई अभी चलते हैं। तो भाई फूलों वाली मार्केट में आए हुए हैं, ये देख सकते हो सामने पूरी फूलों वाली मार्केट, और ये हमारा कच्चर भैया फूल। मैं कहां से आ गया बीच में यार, विनय फूल ब्यूटीफुल भाई, देख इतने सारे फूलों के बीच में विनय ब्यूटीफुल, और फिर साथ में खच्चर भी लगाया था यार। खच्चर तो नाम है ना यार, तू तो ब्यूटीफुल है यार, नहीं है गाइस बताओ ये ब्यूटीफुल नहीं है, ब्यूटीफुल बोल के या ब्लडी फूल है पता था मुझे, ब्यूटीफुल बोल के ब्लडी फूल बना देते हैं। तो भाई ये हमने बुके ले लिया है काफी अच्छा और सुंदर सा। सो दोस्तों कटिंग करवाने के बाद वापस घर पे आ गया हूँ, सिब्बू का शूट खत्म हो गया है। कितने दिन में वीडियो आ जाएगी तेरी मेन चैनल वाली सिब्बू? 9 तारीख को गाइस वीडियो आ, 9 को आ जाएगी पक्का, 9 को वीडियो आएगी कमिटमेंट, और 10 बज गए तो, अगर 10 तारीख हो गई तो नहीं, 9 को वीडियो आएगी 1 बजे। चलो देखते हैं। अभी भाई मैंने सर में थोड़ा तेल वेल लगवा दिया था, लगवा लिया था सैलून में ही, विनय भी था मेरे साथ तो विनय नहाने गया हुआ है अभी, फिर विनय के बाद मैं नहाने जाऊंगा, उसके बाद हम जा रहे हैं बर्थडे पार्टी में। सिब्बू को भी बोला था बट सिब्बू कह रही है कि इसको काम है थोड़ा, इसने पूरा दिन शूट किया है। बहुत टायर्ड फील कर रही हूँ क्योंकि सारा दिन शूट किया और थोड़ा सोकर अभी उठी हूँ और देख लो कितना थक गई हूँ मैं, अगर मेरी वीडियो ट्रेंडिंग पे नहीं आई ना मेरे से बात मत करना। मैं क्या ना बात करना, ये क्या बात हुई? मैं इनको बोल रही हूँ ऑडियंस को, इतनी मेहनत करती हूँ मैं। कोई नहीं यार, मेहनत अच्छी वीडियो होगी तो जरूर आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। देखते मैंने बोला था ना सिब्बू बड़ बोली है, इसकी सारी बातें सीरियस मत लिया करो, बस इसकी वीडियो अच्छी होगी इसको देखना और वीडियो को सपोर्ट करना खूब सारा। तो चलो यार रेडी होके बर्थडे पार्टी के लिए निकलते हैं, मैं और वीना जा रहे हैं बस। सो गाइस सिब्बू कर रही है कपड़ों की तय कर रही है, चादरों की जो तुम हर तीसरे दिन करवाते हो। गाइस आपको एक आइटम दिखाता हूँ, सस्ता विवेक ओब्रॉय यार कुछ भी ना चित भाई, नहीं लग रहा एक नाम ही दे दे भाई, विवेक ओब्रॉय ऐसे ही बाल रखो तूने अभी कर रखे यार, अभी खड़े नहीं करे ना मैंने, और कभी कभी कपड़े भी ऐसे ही डालता है कुछ भी। सस्ता विवेक ओब्रॉय गायब है वो मार्केट से, सस्ता विवेक ओब्रॉय ठीक है या फिर अरे खच्चर भाई, खच्चर भाई सही है भाई, खच्चर भाई ठीक है ना, ऑडियंस बताएगी। नया इन्वेंशन करो, नई लॉन्चिंग करो, कॉपी क्यों करे हैं भाई, सही बात है। ओके नया तो फिर खच्चर भाई है, खच्चर भाई खच्चर भाई आज तो मैंने इसको अपनी
वीडियो में भी खच्चर बोला है। अच्छा, ऐसे मतलब भाई का कैरेक्टर था इसका, बोलती नहीं है लड़कियां चिड़चिड़े के कुत्ता कहीं का, तो मैंने ऐसे बोला खच्चर कहीं का। चलो देखते हैं तेरी वीडियो, देखूंगा जल्दी डाल दे। सो गाइस आई एम रेडी बर्थडे पार्टी में जाने के लिए। आज ब्लैक शर्ट डाली है, बहुत टाइम के बाद, पता नहीं लास्ट ब्लैक शर्ट मैंने कब डाली होगी। और बर्बरी 74,000 वाले जूते भाई, ये बार बर्बरी का ये तो दिखा दे यार, गंदा हो गया यार। चलो गाइस आई एम रेडी बर्थडे पार्टी में जाने के लिए। मैं और विनय जा रहे हैं, मैंने तो ब्लैक डाला है ही, साथ ही साथ विनय ने भी ब्लैक ही डाला है। चले भाई चल। सो गाइस पहुंच गए हम लोग, वो सामने देख रहे हो अकीला, अकीला में जाना है हम लोग को, उधर ही है बर्थडे पार्टी। अभी यहाँ पे गाड़ी पार्क कर देते हैं एक बार, फिर चलते हैं। अंसल प्लाजा में फर्स्ट टाइम आया हूँ मैं, तो विनय बता रहा है टिकटॉकर्स का हब है, यहाँ पे टिकटॉकर्स आते हैं रील वील बनाने, टिकटॉक बनाने, मतलब भाई पहले आते थे, अब कभी नहीं आते, टिकटॉक पहले बनाने आते थे, अब रील वील बनाने आते हैं। मैं तो आया नहीं कभी, ये फर्स्ट टाइम ही है भाई। आ जा भाई विनय, विनय अपने जितना तो गुलदस्ता लेके चल रहा है तू। ओ यार ऐसे तो, चल भाई जीरो दबा दे, जीरो गाइस देखना विनय से, विनय के जितना गुलदस्ता है का भाई, मैं देख गया हूं। इसको ऊपर लाना, ऊपर उठा, ये देखो भाई इसकी टांगे ना है। वाओ है ना टांगे, दिखा ये री टांगे भाई, पूरा मस्त गुलदस्ता है, लग्जरी। सो गाइस बर्थडे पार्टी से निकल गए हैं, अभी वापस चलते हैं घर पे, बहुत लेट हो गया यार, पर सही था माहौल। यार अपनी गाड़ी कहाँ गई पार्किंग में, की दबा के देखता हूँ कहाँ है। ओह माय गॉड सामने ही है, पता था मेरे को, जान पूछ के बस मैं दिखा रहा था ये फीचर। सो गाइस बर्थडे पार्टी से वापस आ गया हूँ मैं, और आके मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए हैं, काफ़ी रात हो गई है, तो अभी मैंने एक चीज़ करने जा रहा हूँ। विनय ऊपर चला गया, कह रहा बहुत तेज की पोटी आई हुई है, आई नहीं रहा, तो अभी मैंने ऋतिक को बुलाया, ऋतिक व्लॉग बना रहा है, तो एक तो ये देखो पहले भाई, ये गाड़ी ना काफ़ी टाइम पहले ये लग गई थी, मैं जब घर जा रहा था, तो घर जाते टाइम हमारे उधर लोहे का वो लगा रखा है किसी ने अपने घर के बाहर, वो एंगल सा लगा रखा है लोहे का, तो वहाँ लग गई थी ये, तो मतलब एक्सयूवी ठुक गई। तो अभी मैं ना सिब्बू को फ़ोन करूँगा और ये बोलूँगा कि सिब्बू एक्सयूवी का ना एक्सीडेंट हो गया, देखते हैं क्या होगा, फिर अपना फ़ोन दे ऋतिक। तो भाई ऋतिक के फ़ोन से मैं सिब्बू को फ़ोन करता हूँ और बोलूँगा कि सिब्बू जल्दी नीचे आ यार, एक्सयूवी का एक्सीडेंट हो गया। हेलो, मैं कह रहा हूँ यार सिब्बू जल्दी नीचे आ यार, एक्सयूवी का एक्सीडेंट हो गया, वो बर्थडे पार्टी में गया था ना, तो मतलब ठुक गई एक्सयूवी। हाँ हाँ जल्दी नीचे आ यार, ज़्यादा टूट गई है क्या? हाँ ज़्यादा, मतलब आ जा यार, दे पर मेरे को ऐसे हो रहा है यार कि नई गाड़ी ठुक गई यार, बिल्कुल ऐसे अजीब सा लग रहा है। हाँ हाँ जल्दी नीचे आ यार, ज़्यादा टूट गई है क्या? हाँ ज़्यादा, मतलब आ जा यार, दे पर मेरे को ऐसे हो रहा है यार कि नई गाड़ी ठुक गई यार, बिल्कुल ऐसे अजीब सा लग रहा है। क्या हो गया? अरे ये गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया यार। कहाँ पे टूट गई है? सही तो लग रही है। अरे ये देख ना, ये लग गया है पूरा, ये लोहा देख, पूरा पेंट उतर गया, पूरा लोहा है। देखो फ्लैश जला के देखती हूं, ये पूरा पूरा ये देख, ये जो पी ये पीपीएफ करवा रखी थी ना, हाँ। ये भी फट गई, तो पूरी स्क्रैच आ गई, पूरा ये पार्ट। ये कैसे हुआ? बर्थडे से आ रहा था, तो बर्थडे से आते टाइम ऐसे ही गाड़ी वाले ने कट मारा, तो मेरे को इधर लेनी पड़ गई थी, डिवाइडर में लग गई। यार तो देखो यार तू कितना बड़ा पागल है, इतनी मतलब बढ़िया गाड़ी तूने बिल्कुल ठोक दी, बिल्कुल प्यार नहीं है तेरे को गाड़ी से। यार अब हो गया, मैं क्या करूँ, मैंने जानबूझ के थोड़ी करा यार। जानबूझ के क्या, तूने ऐसे क्रेटा के साथ भी किया था, पूरी गाड़ी खत्म कर दी थी, फिर उसकी वजह से फिर ये लेनी पड़ी। मैंने सोचा था वो चल ठीक है, अब इसका ख्याल रखेगा, तू इसका भी ख्याल नहीं रखता। यार क्रेटा का अलग था ये, मतलब ये पता मुझे, ये सही होगा नहीं होगा? हो जाएगा, क्लेम में देनी पड़ेगी। मतलब इतने से के लिए क्लेम में देनी पड़ेगी, ऐसे नहीं हो सकता कहीं यहाँ से। बाहर से भी हो जाएगा, पर वो मतलब ये रिपेयर होगा, क्लेम में देंगे तो नया पार्ट लग जाएगा। और कितने पैसे लगेंगे इसको करवाने में? पता नहीं, अब क्लेम कभी लिया नहीं मैं इसका। यार अच्छा वैसे अगर मेरे से इतनी आई होती ना, तो मेरा जीना आराम कर देता, मैं तुझे फिर भी कुछ नहीं बोल रही हूँ। अब क्या करूँ यार, लग गई, अब मेरे का मगा यार, बताऊंगा उसकी सिप्पू को एक्सीडेंट हो गया। ये एक बार ये नहीं पूछेगी तेरे लग गया दिख रहा है, तुझे सही सलामत तुझे लगी नहीं है, तुझे क्या पूछूं, एकदम हट्टा कट्टा दिख रहा है, बढ़िया सा
गाड़ी देख कितनी चोट खाई हुई है, तुझे क्या बोलूं मैं, तू सही है एकदम? वैसे इतनी भी ज्यादा नहीं है, ठीक है। ज्यादा क्या नहीं है यार, बिल्कुल बिल्कुल लुक तो खराब हो गई ना, लोग यही कहेंगे ये स्ट्रेच देख के कि रचित रोजा को गाड़ी चलानी नहीं आती। बताओ क्या उधर क्या देख रहे हो, देखना यार ये देखना पूरी गाड़ी इसने ऐसे बिना ऊपर पोटी करने गया हुआ है। तू बिना से भी पूछ लियो, मेरी कोई गलती नहीं है। गलती तो नहीं होती देखो किसी की भी, दुनिया में आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, सब कहते हैं मेरी नहीं है, सामने वाले की है, मेरी नहीं है, कुछ तो किया ही होगा तुमने जो स्क्रैच लगा। तुम्हें रोड पे तो कई तरह के इंसान चलते हैं, तुम्हें तो संभल के गाड़ी चलानी चाहिए ना, ये तभी तो आया है स्क्रैच। मैंने तो आज तक ऐसे भी स्क्रैच नहीं लगाया मेरी गाड़ी में जब मैंने चलाई है, और तुम कभी डंपर फोड़ देते हो, कभी बम्पर फोड़ देते हो। डंपर क्या होता है यार? गाइस इसको सुनाने का मौका चाहिए। सुनाने का मौका नहीं यार, देखा मैंने बोला था ना, मैंने बोला था ना मैं इसको ये बोलूंगा कि ये गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और ये आके कुछ ना कुछ सुनाएगी, और वही हुआ। मैं सुनाने के लिए नहीं सुना रही हूँ, ये लगी है मेरे को दुख रहा है, मैं इसलिए सुना रही हूँ यार। ये पता है कितनी प्यारी गाड़ी है ये, आज मैंने इसको बता दिया कि ये गाड़ी के लगी हुई है, तो इसको नोटिस हो गया और भड़क रही है। ये जब नई गाड़ी ली थी ना उसी टाइम मेरे घर के उधर लगी थी ये गाड़ी, मोड़ रहा था। ताजा चोट नहीं लगी इसको? नहीं, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ बर्थडे में जाते टाइम या आते टाइम। पहले की लगी हुई है? पहले की है। घर पे? घर जब नई नई गाड़ी ली थी ना, तो जैसे ये दीवार है तो ऐसे मोड़ते टाइम ना लोगों ने अपनी दीवारों पे ऐसे लोहे का वो लगा रखा है, तो उसको टच हो गई लोहे के और तब लगी हुई है। तब भी तो लगी है, बता इतने टाइम से झूठ बोलता आ रहा है मुझे, तब झूठ बोलता आ रहा हूँ? और तूने कभी नोटिस किया, तूने कभी पूछा? यार मैंने इस तरफ से देखा ही नहीं, मैं हमेशा तू ड्राइव करता है, मैं उधर से जाके बैठती हूँ, मैं कैसे नोटिस करूंगी? एक चोरी तो इसकी पकड़ी गई ना, देख कितने टाइम से गाड़ी लगी हुई है और मुझे आज तक नहीं बताई तूने। मैंने ना उस टाइम जब लगी थी व्लॉग में भी बोला था कि ऐसे ऐसे लग गई है, अब तूने नहीं देखा वो अलग बात है, पर इसको सुनाने का मौका चाहिए, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, अब सही चला। कितने टाइम हो गए इसको लगे हुए? काफी महीने हो गए। बता इतने महीने पहले से ही इसको चोट मार, सही सलामत गया था, सही सलामत आया हूं मैं, सही भी नहीं करवाई तूने, एक महीने हो गए बता, फिर भी एक से काफी महीने हो गए, कई महीने हो गए, जिन साल भर हो गए, तुमने ठीक क्यों नहीं करवाई है? मतलब कुछ भी कर लो, सुनाना है तुझे, ये करवा लूंगा भाई, करवा लूंगा, ठीक है करवा लूंगा। कल क्या कर रहे, कल से सही करवा क्या? अच्छा नहीं लगता मेरा, कल मेन चैनल का शूट है, काफी दिन के बाद शूट कर रहा हूँ मैं, शूट से फिर होते ठीक करवाई, ये डेंट पेंट अच्छा नहीं लगता। ठीक है ठीक है, करवा लूंगा, ऊपर आ जाओ, खामा खामे बैठ के चाय पी रही थी, बुला दिया। गाइस देख लो यार, मतलब मैं, मेरे को लगा था कि आगे बोलेगी कि यार मुझे तो कुछ नहीं लगी है वो, फिर मैंने बता भी दिया। यार रचित जब बोल रहे हो तुम अच्छे खासे दिख रहे हो, तो मैं क्यों पूछूं, मैं ये लगी थी तो मैंने तुम्हें पूछा नहीं था जब मुंह फड़वा लिया था, पूरा कांच के टुकड़े घुसवा लिए थे, अभी तो सही दिख रहे हो ना मुझे, दवाइयां लगा लगा के ठीक किया है वो, तो नहीं बोल रहे हो तुम? दोस्तों मेरी मदद करो। मदद क्या करो, चलो ऊपर चलो, चलो चाय वाय चल रहा हूँ यार, मैं अपना ब्लॉग तो बना लूँ। दोस्तों मेरी मदद करो भाई, मेरे को लगा था एक्सीडेंट की बताऊंगा तो सुनने को मिलेगी, चलो ठीक है, जब ये बताया कि नहीं लगी, बहुत पुरानी है, तो अभी सुनने को मिली, तो और सुनने को मिली, तो ऐसे काम ही क्यों करते हो जो सुननी पड़े। हे भगवान यार, कहीं पे वो मिलता है क्या, क्या मिलता है, क्या संन्यास? नहीं नहीं यार, मेरा तो दिमाग खराब हो गया, मतलब ऐसा सुख चैन मिलता है क्या किसी दुकान पे? बहुत गंदी नींद आ रही है, सुबह शूट भी है, फिर कल 11 बजे मिलेंगे नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना या गाड़ी के डेंट ठीक करवा ले, या तो मुझे चलाने दे, मैं ठीक करवा दूंगी। तो ठीक करवा दे, चलाने की बात क्या से आगे? नहीं मैं, तू मेरे को दे गाड़ी, मैं कि मैं ही चलाऊंगी तो मैं ठीक करवा दूंगी, चलाए तू ठीक करवाऊं मैं, वाह। चलो गाइस बाय बाय, मेरी तो किस्मत में ऐसे ही है भाई, चलो चलो बाय।